हे गाइस, वेलकम बैक टू अप्रिश टीचर स्कूल। मैं हूँ अमोल और आज हम देखेंगे ये जो फेस है, इस फेस को हम किस तरह से मॉडल करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। या लास्ट सेशन में हमने क्या किया था, इतना पार्ट बनाया था और इसके आगे का पार्ट अभी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ओके, सो अभी ये जो नोज़ है, इस नोज़ का पार्ट हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। हालांकि फ्रंट व्यू में और साइड व्यू में हमारा जो नोज़ है थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, बट इट्स ओके। ओके, हम उसको क्रिएट करेंगे। सो मैं क्या करूँगा अभी, यहाँ से जो फेस है इसको सिलेक्ट किया और इसको हम एक्सट्रूड करेंगे और एक्सट्रूड करके ऐसे मैंने खींचा इसको। ओके, और थोड़ा सा रोटेशन दूंगा इधर। और अगर हम फ्रंट में देखेंगे तो फ्रंट में ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, इसको ऐसे खींचेंगे। ठीक है, तो ये जो नोज़ का जो प्रोफाइल है वो हम यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, वापस मैं साइड व्यू में आया, यहाँ से इसको एक्सट्रूड किया। ओके, थोड़ा सा इसको हम रोटेशन देंगे ऐसे, और यहाँ पे ऐसे रखा। ऑफकोर्स ये जो वर्टेक्स है इसको सिलेक्ट करके हमें एडजस्ट करना है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है उसी तरह से हमको इसको एडजस्ट करते जाना है। ओके, तो यहाँ पे फ्रंट व्यू में जाएंगे, फ्रंट व्यू में जाके वापस इधर इस तरह से एडजस्ट करते जाएंगे इसको। ठीक, ऐसे किया मैंने, और एक बार इसको सिलेक्ट करेंगे। ओके, ऐसे, और इसको हमने एक्सट्रूड किया। ठीक है, ऐसे दिख रहा है, साइड व्यू में जाएंगे, साइड व्यू में इधर लेके ऐसे, एंड देन विल जस्ट एडजस्ट दिस। इसको इस तरह से हम एडजस्ट करेंगे। ओके, अभी अगर हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो ये ऐसे कुछ दिख रहा है यहाँ पे। ऑफकोर्स ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहेगा। ओके, ये थोड़ा सा ऐसे, उसका जो नॉस्ट्रिल है ना, तो थोड़ा सा बड़ा रहेगा ऐसे, और ये कुछ इस तरह से। मैं थोड़ा सा इसको और ऐसे शेप दूंगा, ये अंदर की तरफ रहेगा ऐसे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रंट व्यू में आके वापस से इसको, ये जो इसको सिलेक्ट करेंगे, एक्सट्रूड, और ऐसे किया इसको एक्सट्रूड करके, ये जो है इसको हम मर्ज कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से शेडिंग में जाके हम एक्सरे करते तो हमें पता चलेगा एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं, राइट। सो जो शेप है वो शेप प्रॉपर यहाँ पे बिल्ट होना चाहिए। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये ऐसे कुछ करेंगे, यहाँ पे शेप को एडजस्ट करेंगे। ऑफ कोर्स दिस पार्ट, दिस पोर्शन थोड़ा सा नीचे की तरफ हम लेके आएंगे ऐसे। ओके, ऑफ कोर्स फ्रंट में और साइड में थोड़ा सा मिसमैच है। ओके, ये थोड़ा सा इधर लेके आते हैं। तो ये फ्रंट में मैं जो एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, हम साइड में भी चेक करेंगे। साइड में देखेंगे तो कुछ ज़्यादा ही अंदर चला गया। ऑफ कोर्स इसको थोड़ा सा हम ऐसे रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो ये ऐसे दिख रहा है अभी यहाँ पे। ठीक है, सेलेक्ट दिस, इसको थोड़ा सा और बाहर की तरफ खींचेंगे ऐसे, तीन प्रेस करके देखेंगे कीबोर्ड के ऊपर, हमको एक आइडिया आएगा। ओके, ये देखो किस तरह से दिख रहा है। लेट्स डुप्लीकेट दिस, इसका डुप्लीकेट करते हैं। ओके, शेडिंग में जाके यहाँ से एक्सरे निकाल देते हैं, कंट्रोल डी किया, और यहाँ से माइनस वन कर देंगे, एंड लेट्स कंबाइन दिस। तो यहाँ पे मेश के अंदर जाएंगे, कंबाइन, या फिर इधर से जो आइकन है ये कंबाइन लेंगे, अंदर विल मर्ज इट। ये जो है ना, सारे वाटर सेलेक्ट किया, इसमें जाके यहाँ पे ऑप्शन एडिट मेश मर्ज, ये मर्ज हो गया। ओके, एंड टू रिपीट द लास्ट कमांड जी प्रेस करना है। तो जैसे लास्ट इसमें हमने क्या किया था, मर्ज, तो मर्ज को ही वो रिपीट करेगा। एंड ये सारे देखो इस तरह से ये हो गया। ओके, सो फार कुछ इस तरह से ये दिख रहा है। ओके, अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे एक्सरे, इसको मैं थोड़ा सा बाहर निकालता हूँ ऐसे। ओके, ये जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके देंगे इसको, एंड यहाँ से एक्सट्रूड कर लेते हैं इसको नीचे की तरफ ऐसे, तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा नोज़ का पार्ट। ठीक है, तो ये ऐसे दिखने वाला है।
देखो तो यहाँ पे ये फ्रंट व्यू में कुछ इस तरह से ऐसे दिखेगा। ओके इसको भी सिलेक्ट करके, ये दो एजेस हैं ना, इनको सिलेक्ट करेंगे और इसको एक्सट्रेट करके बाहर की तरफ लेके आएंगे ऐसे। लेट्स सी इट लुक्स। तो ये जो वर्टेक्स है इसको हम यहाँ से इसके साथ मर्च कर देते हैं। मर्च इसको भी प्रेस करके स्नैप करेंगे इधर। एंड दिस पार्ट विल गो हियर। ओके ऐसे, या फिर इसको हम इधर लेके जाते हैं। ये पार्ट इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा वी प्रेस करके, और ये थोड़ा सा इधर ऐसे नॉस्ट्रिल का पार्ट रहेगा उसका। फ्रंट में आते हैं तो ये थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। Not happy. तो जैसे ब्लू प्रिंट में है वैसे इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। बेसिकली ऐसे कुछ रहेगा। साइड में आके चेक कर लेते हैं। ये जो है इसको एक्सट्रूड करके हम नीचे लेके आएंगे। This part will connect here. ऐसे कनेक्ट किया। ओके और यहाँ पे लाइक अप इन टू पॉलीगॉन टूल है, तो ये टूल इस तरह इसके साथ कनेक्ट कर दिया मैंने इसके साथ। ओके तो ऐसे होगा। और फिर यहाँ पर एक एज लाइन ऐड कर देंगे, क्योंकि विल ऐड एज इंसर्ट एज लूप टूल, इधर एक एज ऐड कर दिया ऐसे। और फिर वापस से अप इन टू पॉलीगॉन टूल, और यहाँ से मैं ऐसे एक ऐसे पेंट करूँगा। तो जो नॉस्ट्रिल का पोर्शन है कुछ इस तरह से दिखेगा अभी। ओके साइड में जाते हैं। और यहाँ पे व्हाट विल डू, विल सिलेक्ट दिस, ये जो है आई थिंक इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इन तीनों को सिलेक्ट किया मैंने, इसको एक्सट्रूड करेंगे इसे, एक्सट्रूड करके बाहर की तरफ खींचेंगे इसे, ज़्यादा खींचेंगे। और फिर ये जो वर्टेक्स है इनको सिलेक्ट करके छोटा करेंगे। इनको भी आपको नीचे लेके आते हैं इसे। बेटा इसको हटा देते हैं, ऐसे रखेंगे इसको। तीन पेस करके चेक करेंगे
तो ऐसे इसका नोस्ट्रल का ऊपर वाला पार्ट बनेगा। ओके, ये थोड़ा सा और नीचे लेके आते हैं। जब भी काम करेंगे तीन प्रेस करके नहीं, वन प्रेस करके करना है, तो हमको प्रॉपर अंदाज़ आएगा कि हमारा मॉडल किस तरह से ये शेप जो है वो बन रहा है। व्हाट इफ वी सिलेक्ट दिस एंड मर्ज इट, ब्रिज करेंगे इसको। नो इट्स नॉट, नहीं परफेक्ट नहीं है शेप। ओके, तो अभी क्या करते हैं, जैसे ये जो पार्ट है इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और देखते कैसे दिखता है। तो मैं यहाँ पे एक एज लूप ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने या फिर इंस्टेड ऑफ टेकिंग लाइक एज लूप लेने से बजाय हम डायरेक्ट इसको लाइक वी प्रेस करके स्नैप कर देते हैं इधर से। ये कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ एंड ये ऐसे ही रहेगा। एंड दिस पोल ये जो है ये इधर कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ ऐसे। ओके, और ये थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे ऐसे, ये ऐसे ऊपर। तो इसका नॉस्ट्रल का पार्ट ऐसे रहेगा, ये जो है इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं मे बी ऐसे, और इस तरह से ये मैं एडजस्ट करूँगा। देखो ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये जो है थोड़ा सा ऐसे शेप ये करेंगे, एडिट करेंगे, तो ये इस तरह से उसका दिखेगा पार्ट। तीन प्रेस करके चेक करते हैं, तो से दिस इज़ हाउ इट विल लुक। देखो अब कुछ मर्ज नहीं किया, मर्ज कर देते हैं। तो मर्ज करने के बाद देखते कैसे दिखता है। तो यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको मर्ज, इसको इसके साथ मर्ज कर लेते हैं, और ये जो आधा पार्ट है इसको हम हटा के वापस से कनेक्ट करके देखेंगे। ओके, तो इसको हटा देते हैं। ओके, एंड आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ पर एक एज लूप ऐड करना चाहिए हमें। ओके, तो इधर जाएंगे इंसर्ट एज लूप टूल और यहाँ पर एक एज ऐड कर देते हैं इसे, और उसको ऐड करने के बाद यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। एक्चुअली पूरा ही ये जो है ना एजेस, देखो ये पूरा सिलेक्ट करेंगे ऐसे। तो पूरा सिलेक्ट करने के बाद इसको हम करेंगे एक्सट्रूड और खींचेंगे बाहर की तरफ। बाहर की तरफ खींचने के बाद ये जो है ये हम कनेक्ट करेंगे वी प्रेस करके, यहाँ से स्नैप करेंगे वी प्रेस करके। जब मिडिल माउस को हम ये करते हैं तो मूव करते हैं तो वो स्नैप हो जाएगा वहाँ पे ऐसे। ओके, और ये जो है बेसिकली जिस तरह से प्रोफाइल है ना, इस तरह से हमको इसको रखना है। ये ऐसे आएगा इधर, ये इधर आएगा ऐसे, इस तरह से हम इसको किया हमने। ओके, सो दिस इज हाउ इट लुक। तीन प्रेस करके चेक करते हैं, तो ये फिलहाल में ऐसे दिख रहा है। ओके, अभी बहुत एडिटिंग करना है उसमें, बहुत थोड़ा सा ही करना है, बट दिस इज़ हाउ इट विल लुक। ओके, तो कंट्रोल डी कर लेते हैं, -1 एंड लेट्स सी हाउ इट लुक्स। तो यहाँ पे कंबाइन करके हम चेक करेंगे, सो फार सो गुड। ओके, से दिस, तो इस तरह से ये दिख रहा है। ओके, 1 2 3 4 ओके, हाँ करेक्ट है। तो इस तरह से हमने जो शेप है ये क्रिएट किया, और ये कुछ इस तरह से यहाँ पे इसका नॉस्ट्रल का पार्ट जो है वो भी बन गया। ओके, अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर आते हैं। ओके, इसका आधा पार्ट उड़ा देते हैं। ओके, फिलहाल में तो नहीं चाहिए आधा पार्ट, हम इसलिए ले रहे क्योंकि हमें एक आइडिया आता है कि हम हमारा जब हम इसको डुप्लीकेट करेंगे तो शेप हमारा परफेक्टली बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये वो आइडिया लेने के लिए हम उसको ये करेंगे, डुप्लीकेट करके चेक करेंगे। ओके, एंड देन तो भाई से बनाते वक्त तो हमको आधा ही पार्ट को बनाना है ना। तो यहाँ पे मैं इस तरह से ये थोड़ा सा ऐसे रहेगा, ऑफकोर्स ये भी थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके आते हैं, ऐसे रखते हैं। साइड व्यू में भी देखते हैं तो इस परफेक्ट है, थोड़ा सा और
ओके तो इतना हमने किया, ठीक है। और एक बार इसको हम थोड़ा सा एक्सट्रूड करेंगे, ओके क्यों? क्योंकि इसके साथ है ना इधर भी एक ये चाहिए, तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और एक्सट्रूड कर लेते हैं फिर एक बार, ऐसे किया। और ये जो पार्ट पोर्शन है ये इसके साथ मर्ज हो जाएगा। सॉरी गलत करोगे, इधर है मर्ज हो जाएगा ऐसे। ओके फिर बाकी इसको एडजस्ट करना है और कुछ नहीं। सो व्हाट वी कैन डू इज ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएगा ऐसे, ओके बाद में और मतलब उसको डिटेलिंग हम करेंगे ऐड, बट अभी तो फिलहाल में हमने इस तरह से ये बनाया है। ओके तो यहाँ से वो ये होगा। फ्रंट में आते हैं, फ्रंट में आने के बाद अभी हम क्या करेंगे, ओके सो दिस पोर्शन एंड सर्विस। अभी इसको और इसको कनेक्ट करना है, तो पहली बात तो हम यहाँ से नॉट फ्रॉम हियर, इधर से हम इसको एक बार और सिलेक्ट करके एक्सट्रूड करके खींचेंगे बाहर की तरफ। ओके इसको मैं सेव कर देता हूँ, एक्सट्रूड कर लेते हैं एंड ऐसे एक्सट्रूड किया। और ऐसा करने के बाद हम थोड़ा सा इसको ओके यहाँ से मैं शेडिंग से बाहर आता हूँ एक्सरे से एंड देन यू कैन सी। तो बेसिकली दिस पार्ट विल बी हियर, ओके इसको मैं थोड़ा सा इधर रख देता हूँ, ऐसे थोड़ा सा बाहर की तरफ खींच लेते हैं इसे। ये जो लाइन देखो कैसे जा रहा है, इसको एडजस्ट करना है हमको। तो एज फ्लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपका लाइंस किस तरह से है, ये जो एजेस है वो किस तरह से है। तो देखो तिरछा जा रहा है, इसको हमको सीधा करना है। ओके तो फ्रंट में मैंने ऐसे किया, साइड में जाएंगे, साइड में भी इसको हम एडजस्ट करेंगे। जैसे ये किसी देश ये जो है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएगा ऐसे, इसको भी थोड़ा सा ऊपर लेंगे, पूरा नहीं उसके ऊपर। बाद में जो उसका जो बियर्ड है वो बाद में हम अलग से अलग मेश के साथ उसको बनाएंगे। ओके अभी ये जो प्रोफाइल है इसको मैं मैच कर रहा हूँ इस तरह से। इस तरह से इसको मैंने मैच किया, तीन प्रेस करके चेक करेंगे कीबोर्ड के ऊपर। तो ऐसे फिलहाल में हमारा कैरेक्टर का जो फेस है वो बन रहा है। ओके अगर हमको लगता है कि यहाँ पे जैसे कि लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक डिटेल्ड ऐड करना है ना, सो कैसे ऐड करेंगे, सो लेट्स सी। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट एज लूप टूल। तो यहाँ पर अगर मैंने एज लूप डाल दिया ऐसे, ओके ऐसे, सो होगा क्या ना, मैं ये जो एजेस है इनको सिलेक्ट करके थोड़ा सा बाहर की तरफ खींच सकता है ऐसे, तो वहाँ पे एक डिटेलिंग बनेगा और बाकी का इसको मैं अंदर डाल सकता है ऐसे। तीन प्रेस करके चेक करेंगे तो कैन सी, ये देखो इस तरह से इस पे ऐसे एक डिटेल नहीं होगा। देखो जैसे यहाँ पे उसका ये हो रहा है ना वैसे, ठीक है। तो वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ऐसे दिखेगा। डुप्लीकेट करेंगे इसका, तो देखते क्या होता है। कंट्रोल डी माइनस वन, तो देखो ऐसे दिखने वाला ही है, कुछ ज़्यादा ही है, इतना भी नहीं खींचने का। ओके तो इतना अच्छा मतलब कुछ ज़्यादा ही वो लग रहा है। ओके तो इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं
आई कैन डू लाइक गो हियर मेन टूल में जाके स्कल्पटिंग टूल और यहाँ पे स्मूथ ले लो। ब्रश का साइज काफ़ी बड़ा है, छोटा कर लेते हैं। ओके देखो छोटा हो गया ब्रश, एंड देन आई जस्ट इसको ऐसे क्लिक करूँगा, तीन प्रेस कर लेके देखेंगे तो स्मूथ हो जाएगा, अभी कम हो जाएगा उसका जो इन्फ्लुएंस है वो थोड़ा सा कम हो गया। ओके वो बाद में करेंगे, अभी तो मैं सिर्फ एक आइडिया लेने के लिए उसको ये किया। अभी ये जो है इसके साथ इसको अगर मर्ज कर दे तो यहाँ पे जाके अगर हम इसको ब्रिज कर दे देखे तो देखो इतना पार्ट मैंने यहाँ पे ब्रिज कर दिया। अभी रही बात इसकी जो रिमेनिंग पोर्शन, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके हम करेंगे फिल होल। तो वेयर इज़ फिल होल, यहाँ पे मेश के अंदर फिल होल। फिल होल करने के बाद ये जो है इसको मल्टी कट टूल है यहाँ पे हमारे पास मल्टी कट टूल, तो यहाँ से ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये इधर कनेक्ट होगा, आई थिंक ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। दिस इज हाउ इट विल लुक, नाइस है ना। सो अभी वापस इधर आते हैं और थोड़ा सा अभी यहाँ पे हमारे पास एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, जैसे ये जो है थोड़ा सा नीचे जाएगा ऐसे। ओके फ्रंट में जाएंगे तो फ्रंट में भी इसको थोड़ा सा हमें हम शेप देना पड़ेगा, थोड़ा सा अंदर लेके जाएंगे ऐसे। इस तरह से मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, परफेक्ट। अगर अभी हम देखेंगे इसको तीन प्रेस करके तो जो शेप है ये कुछ इस तरह से यहाँ पे हो रहा है। अगर यहाँ पे देखोगे ये थोड़ा सा ऊपर है, ओके, और हमारा ये जो पार्ट है ना इसको भी थोड़ा सा हमको ऊपर करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे इसको एडजस्ट करेंगे कैसे, तो देखो ये जो है इनको सिलेक्ट करेंगे, बाहर की तरफ खींचेंगे हम इसको, भी बाहर की तरफ खींचूँगा मैं इसको, बेसिकली ज़्यादा बाहर की तरफ आएगा ऐसे। ओके दिस पोर्शन विल कम आउट, थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचेंगे इसको। वैसे हम बाद में भी इसको ये कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं स्कर्ब टूल से, ओके, पर अभी से ही उसको थोड़ा सा अगर शेप देंगे तो वो बेटर बनते जाएगा, अच्छा बनेगा। ओके तो ये देखो थोड़ा सा उसका ये जो पार्ट है इसको मैंने ऊपर की तरफ लेके आया, ओके, और इवन दिस पोर्शन विल जस्ट स्केल इट आउट, उसको बाहर की तरफ खींचेंगे ऐसे। ओके तो फिर वो परफेक्ट लगेगा। परफेक्ट, ओके तो इस तरह से मैंने किया और यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे दिख रहा है, तीन प्रेस करके चेक कर लेते हैं तो से दिस, तो ये हमारा जो शेप है सोफा इस तरह से बन रहा है। वापस ओके साइड व्यू में आते हैं और वायर फ्रेम ऑन शेडेड ऑन करेंगे यहाँ से क्लिक करके, सो इस तरह दिखेगा, सिलेक्ट दिस, इसको सिलेक्ट करके ऐसे किया मैंने, ओके, और वापस एक्सट्रूड करेंगे इसको, सिलेक्ट किया एक्सट्रूड और इसको हम खींचेंगे। ओके जो ग्रीन हैंडल है उसको सिलेक्ट करके ऐसे खींचा मैंने और इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसको मर्ज, ये जो है ये बराबर एग्जैक्टली ये ऐसे रहेगा, ये थोड़ा सा इधर लेके आएंगे हम, फिर साइड में जाएंगे, साइड में भी इसको हम एडजस्ट करेंगे ऐसे। तो ये मैंने कुछ इस तरह से किया, ऑफ कोर्स ये जो पोर्शन है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएगा ऐसे, इसको बाहर की तरफ खींचेंगे ऐसे, यहाँ से देखोगे तो, और ये जो है वो अंदर चला जाएगा। ओके वापस सिलेक्ट दिस, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और एक्सट्रूड ग्रीन हैंडल को सिलेक्ट करके मैंने खींचा थोड़ा सा इसको, ओके इसको खींचने के बाद ये जो वर्टेक्स इसको सिलेक्ट करेंगे
और यहाँ से स्नैप कर दिया इधर, ये ऐसे आएगा इधर, साइड व्यू में आएंगे, साइड व्यू में भी इसको एडजस्ट करेंगे। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे वी नीड टू ऐड एज, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ा गैप फॉर्म कर रहा है, देखो यहाँ पे और यहाँ पे। सो चलो ऐड कर लेते हैं, इंसर्ट एडिटिव टूल, एक एज इधर ऐड कर दिया और एक एज इधर ऐड कर देंगे तो हमारे पास इसको शेप देने में आसानी होगी। सो बेसिकली ये ऊपर रहेगा, बट ये जो है ये इनको हम थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके जाएंगे इसे। तो ये ऊपर है बट इनको अंदर डालो, तीन प्रेस करके चेक करेंगे तो यू कैन सी यहाँ पे जब मैं इसको अंदर लेके जा रहा हूँ तो शेप किस तरह से फॉर्म हो रहा है। देखो और इनको बाहर की तरफ खींचेंगे, इसको मर्ज कर देते इसके साथ, एंड यू कैन सी ऑलरेडी हमारा एक शेप एक फॉर्म लेते ले रहा है यहाँ पे। अभी इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा डुप्लीकेट करके और एडजस्टमेंट करेंगे, कंट्रोल डी माइनस वन कंबाइन करेंगे तो ऐसे दिख रहा है अभी यहाँ पे, देखो सो फार सो गुड। ओके ऑफ कोर्स ये कुछ ज़्यादा ही मतलब ये हो गया, स्ट्रेच हो गया, क्योंकि उसका उसके ऊपर बियर्ड, उसका जो बियर्ड है वो हम अलग से बनाने वाले। ओके तो इसीलिए थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, वन प्रेस करके कर लेते हैं। इस तरह से मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, वन मोर टाइम अगेन विल सिलेक्ट दिस। ओके सिलेक्ट करेंगे और इसको हम करेंगे एक्सट्रूड। ओके हाफ पार्टी बनाना है हमको, सो मेक श्योर कि कोई पार्ट बचा नहीं। ओके ओके करेक्ट, ओके एक्सट्रूड, ग्रीन हैंडल को सिलेक्ट करके खींचेंगे बाहर की तरफ परफेक्टली, साइड व्यू में जाएंगे, यहाँ पे देखो कैसे है, तो इसको मैं अंदर की तरफ ऐसे ऐसे खींचा। ठीक है अब ये कुछ ज़्यादा ऊपर जा रहा है, इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे वी प्रेस करके स्नैप करेंगे इधर ऐसे इस वर्टेक्स के ऊपर, फ्रंट में ठीक है, साइड में थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, शेडिंग में जाके एक्सरे और ये ऐसे होगा। अब ये जो पार्ट है इधर थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ और ये अंदर जाएगा ऐसे, परफेक्ट। प्रेस करके चेक करेंगे ऐसे दिख रहा है, इसको मर्ज कर देते हैं। सेलेक्ट दिस, ओके अभी एक काम करते हैं। ओके ये ऐसे दिख रहा है यहाँ पे फिलहाल में। ओके इसको हम डुप्लीकेट करेंगे
इसका आधा पार्ट का डुप्लीकेट कंट्रोल डी माइनस वन कंबाइन करो इसको, ओके शेडिंग को निकाल देते हैं तो हमें देखेगा किस तरह से दिखेगा। ओके अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो टूल है इसको सिलेक्ट किया, इसके टूल्स में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं, ओके टूल सेटिंग्स के अंदर सिमेट्री सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ से इसको हम ऑन कर देंगे। तो होगा क्या ना, बेसिकली जब भी मैं यहाँ पे कुछ सिलेक्ट करूँगा तो वो उसके अपोजिट में भी सिलेक्ट हो जाएगा। देखो इधर सिलेक्ट किया, जब भी मैं खींचा तो देखो उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी वो चेंज हो जाएगा इस तरह से। ठीक, तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचेंगे ये, और ये जो है इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ, थोड़ा सा ऐसे, ओके एंड दिस पोर्शन सिलेक्ट करके हम बाहर की तरफ खींचेंगे। तो इस तरह से मैं चेंजेस कर रहा हूँ इसमें, ओके चेक करेंगे बाद में किस तरह से ये दिख रहा है एंड ऑल। तो देखो अभी फिलहाल में ये मॉडल जो है इस तरह से दिख रहा है। नोज को भी हम मर्ज कर लेते हैं, ओके तो यहाँ से जो हमने सिमेट्री किया था इसको रिसेट कर देंगे, देखो रिसेट हो गया, ओके और फिर वर्टेक्स सिलेक्ट करके मर्ज इट आउट। ओके अभी मैंने मर्ज अप्लाई किया ना, अभी रिपीट करेंगे इसको, तो क्या करेंगे जी प्रेस करेंगे जी, देखो तो इस तरह से जो भी लास्ट कमांड हम अप्लाई करते हैं उसको रिपीट करने के लिए वी प्रेस जी। तो यहाँ पे मैं जी प्रेस करके इस तरह से इसको मर्ज कर रहा हूँ। अभी मर्ज करके कुछ चेंजेस करूँगा और वापस मैं मतलब इसका आधा पार्ट उड़ा दूँगा। ओके उससे क्या होगा ना कि हम सिमेट्री में प्रॉपर काम कर रहे हैं क्या, हमारा मॉडल कहाँ पे हमको क्या चेंजेस करने हैं, तो वो एक आइडिया आ जाता है आपको। ओके तो देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो से दिस लुक एट दिस, ये जो जॉ लाइन है देखो किस तरह से हो रहा है। ऑफकोर्स ये ऐसे नहीं रहेगा ना, मतलब बियर्ड है तो ठीक है, बट अगर मतलब बियर्ड को निकाल देंगे तो ये ऐसे नहीं रहेगा। ओके तो इसको भी हमें एडजस्ट करना है प्रॉपरली। ओके अगेन उसका जो लिप्स का पार्ट है दैट ऑल्सो हैव टू क्रिएट, ऑफकोर्स उनको चिपकाना है लिप्स को, है ना। सो लेट्स डू दैट, तो इसको मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ और एक्सट्रूड करने के बाद हम इसको पास में लेके आएंगे, इसे पास में लेके आए, ये जो है थोड़ा सा ये अंदर जाएगा ना, ये लिप्स है तो थोड़ा सा मैं सभी को सिलेक्ट कर लेता प्रॉपरली। ये अंदर जाएंगे ऐसे, तो ये जो लिप्स का पोर्शन है इस तरह से मैंने ये लिप का पार्ट बनाया। ओके अगेन नीचे जो है थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे लिप्स जो है नीचे का, बेसिकली दिस इज द नीचे का लिप्स का पार्ट, इसको थोड़ा सा खींचेंगे बाहर एंड दिस विल गो लिटिल इनसाइड। ओके ये भी इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ,
एंड अभी देखेंगे तो देखो इस तरह से ये जो शेप है मॉडल जो है ये बन रहा है। ऑफ कोर्स जब उसका ये जो बियर्ड है हम जब उसमें ऐड करेंगे वो काफ़ी परफेक्टली दिखेगा। तो सो फार हमने इतना पार्ट क्रिएट किया, ठीक है। और इसके आगे वाला जो पार्ट है वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे। ओके गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो आप इसको लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। एंड सी यू, बाय।